आज 15 जुलाई को CBSE 10th का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। किसी बच्चे के थोड़े नंबर उम्मीद से कम आ गए हैं तो बेटा पैनिक नहीं हो, और बहुत ज़्यादा नंबर आ गए हैं तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, जमीन ना छोड़ें, दोनों बातें हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन सबको धन्यवाद दूंगा, उन सबको थैंक्स दूंगा जो अपने बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते संस्था के साथ, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ जुड़ के सबके बलबूते आप लोगों ने एक रिजल्ट बनाया। ये एक मार्कशीट है, ये अच्छी है, अच्छी बात है। ये अच्छी नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक मार्कशीट आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। किसी भी जिंदगी की कोई भी एक मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। फ्यूचर हर उगने वाले सूरज के साथ बनाया जा सकता है, तो अच्छा काम नहीं करो तो हर ढलते सूरज के साथ फ्यूचर आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा भविष्य हर उगने वाले सूरज के साथ शुरू हो सकता है, और कर्म नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो हर सूर्यास्त के साथ आपका फ्यूचर अस्त हो सकता है। इसलिए बेटा आपने 10th का एग्जाम दिया है, 10th पास हो गए, अब इसको एंजॉय कर लो एक दो दिन, फिर आप लग जाओ नए सिरे से, क्योंकि आपकी रियल जिंदगी स्टार्ट 10th के बाद होती है, मैं ये मानता हूं। अब आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है, आप साइंस में जाते हैं, साइंस में बायो में आते हैं, मैथ में आते हैं, कॉमर्स जाते हैं, आर्ट्स जाते हैं, ये आपकी अपने जो परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, पृष्ठभूमि है, आपकी अपनी मानसिक स्थिति है, इसमें नो डाउट आप लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना है, कि अब जो आप फैसला करेंगे उस पर आपका एजुकेशन का पूरा करियर टिका हुआ है। मैंने बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि आपका करियर टिका हुआ है, आपकी एजुकेशन का करियर टिका हुआ है, बाकी कोई लेना देना नहीं है इस करियर से, आगे चलता जाएगा जिंदगी। वो कई बार देखते हैं बहुत से लड़के मैथ लेते हैं, IIT करते हैं, बायो लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर ICS के एग्जाम UPSC देते हैं, IAS बन जाते हैं। तो बहुत से बच्चे 11th से 8th लेके भी IAS बन जाते हैं, बहुत से बच्चे होंगे ऐसे, बहुत से टेक्नोक्रेट मेडिकोज IPS बनते हैं, तो बहुत से आर्ट्स के बच्चे बनते हैं। तो ये तो सब डिसाइड करता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, मंजिल हमें डिसाइड करनी है। एक बात जरूर दोस्तों आज मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा, आदमी यदि ईमानदारी से, आज एक बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, जो इस लाइव को देख रहे हैं अगले 5 से 7 मिनट इस बात को जरूर सुनना। मैं नाम कोट तो नहीं करूंगा उस बच्चे का, लेकिन एक बात मैं इस लाइव को जितने लोग देख रहे हैं जब भी इसको सुन रहे हैं, कि दिल से कोई बात कही जाती है ना वो बिल्कुल दिल तक पहुंच जाती है, और बिना लाग लपेट के बात कही जाती है तो उस बात को सुनने वाला सुन सकता, समझ सकता है। हमने 16 अप्रैल को जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक हरियाणा से गार्जियन का फोन आया, वो मुझे अब भी याद है। वो मेरे भाई थोड़े से भावुक हो रहे थे फोन पे, उनका मैं नहीं जानता चौधरी साहब आपको, लेकिन मैंने सुना है आपका सीकर में एक इंस्टीट्यूट है, मेरी बेटी ने बताया है जो भी 10th का एग्ज़ाम दिया है वो कोई आपके YouTube पे वीडियो देखे हैं तो वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करती है, रिगार्ड करती है, और वो आपकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहती है। और मैं थोड़ा सा इस कोरोना के चक्कर में मेरा जो भी बिजनेस था वो डिस्टर्ब हो गया, तो हल्की सी भाई का गला भराया, माफ़ी चाहता हूँ, मैं बात थोड़ी पर्सनल है, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या होती है। मुझे लगा यार, नो डाउट उस समय मैं बहुत परेशान था, कोरोना ये बात है 15-16 अप्रैल के आसपास के, तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, अब तो बहुत उजाला आ गया, अब तो बहुत उजाले में आ गए हम लोग, अब तो बिल्कुल सूरज निकलने वाला है स्थिति में है, तब तो एक अंधेरी रात सामने खड़ी थी। तो भाई का हल्का सा गला भर गया, तो मुझे लगा, मैंने कहा आप तो प्लीज़ मैं हूं ना। हमने उस गुड़िया का एडमिशन किया, वो गुड़िया क्लास ले रही है, उसके बाद उस बेटी ने एक दिन बहुत अच्छी कविता लिखी भेजी मेरे को, उसको भी सुनाया था मैंने लाइव में। आज अभी रिजल्ट आया है, मेरी उस बेटी के 10th में 96% नंबर आए हैं दोस्तों, तो वैसे फ्री हो 96% के बच्चे के, वैसे हमारे को नॉमिनल फीस होती है 5,000, टोकन मनी होती है। तो उस व्यक्ति ने दिल से मुझे फ़ोन किया, दिल से अपनी बात रखी, वो मेरे पास यदि मेरे को कहते नहीं मेरे बच्चे होशियार है, आपका भविष्य बना देगी, आपका करियर बना देगी, तो शायद मैं उस बात को नहीं सुनता। इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं इस लाइव को देखने वालों को, दोस्तों
जिंदगी में आप यदि किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के पास उम्मीद लेके जा रहे हैं, देखो बहुत गहरी बात कर, माफी चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति के पास उम्मीद लेके जा रहे हैं और आप ये उम्मीद लेके जा रहे हैं कि मैं उसको बावड़ा बना के आ जाऊंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है जो आपसे बावड़ा बन गया वो आपकी क्या सहायता करेगा। जिसको आपने बेवकूफ ही बना दिया वो तो आपसे छोटा हो गया, उससे आप क्या हेल्प करो लोगे। आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो और आपको लगता है कि मुझे कुछ उम्मीद है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट सेट करें कि वो व्यक्ति आपसे ज्यादा समझदार है या भावुक है या एक अच्छा इंसान है। आप जब तक इमेज क्रिएट नहीं करेंगे आप वहां जा ही नहीं सकते यार, तो वो बात आपकी मन से सुनेंगे। और यदि आप ये सोच के जाएंगे मैं उसको बेवकूफ बना दूंगा, बावड़ा बना दूंगा, दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में ऐसे लोग खुद बेवकूफ बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं। ऐसे एक लड़का मेरा ट्वेल्थ का, पांचाल नाम है उस बच्चे का, रात को मैं बैठा था तो उसकी मैंने एडमिशन किया था उसका, आया मेरे को, तो उसने कहा सर आप प्लीज मेरा एडमिशन कर लो, मेरे नंबर आएंगे 90%, प्लीज आप एडमिशन कर लो, मतलब वो प्लीज कर लो मेरा एडमिशन, आप ट्वेल्थ का बच्चा हो। तो मुझे उस बच्चे की बहुत अच्छी, मैं कल इन सब केस नोट करूँ, इन बच्चों के बारे में कल विशेष कोट भी करूंगा बाकायदा फोटो सहित। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा यार, मैं ठीक है यार मैं तेरा कर देता हूँ यार, मुझे कहते बहुत खुशी होती है। उस लड़के के राजस्थान बोर्ड में दोस्तों 97% नंबर आए थे बाद बच्चे के, 93% है, वैसे गोद बच्चा हो गया हमारा वो। तो उन लोगों ने अपनी बात को दिल से रखी मेरे पास। तो मैं इस लाइव को देखने वाले या जब भी सुनने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, आपके अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने बात को किसी भी संस्था के साथ दोस्तों सिस्टमेटिक रखें, वो आपकी बात सुनेंगे। और मैं इस लाइव से एक बात और बहुत स्पष्ट अनाउंस कर रहा हूं आज, आप जब ऑफलाइन क्लासेज के एडमिशन में आते थे तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते थे, उसका इंफ्रा देखते थे, वहां के डायरेक्टर का बिहेव देखते थे, आप वहां का सराउंडिंग वातावरण देखते थे, तो नो डाउट आपको आइडिया हो जाता था कि अरे ये इंस्टीट्यूट कैसा है। लेकिन उसमें कई बार आदमी भ्रम भी हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था, कई बार हो सकता है मार्केटिंग के लोग ज्यादा पावरफुल होके कम क्वालिटी को ठीक से बेच दे, तो आदमी बड़ा अब ऑनलाइन में कैसे करें। ऑनलाइन में आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर को देख जा सकते हैं, ना वहां का बिहेव देख जा सकते हैं, ना वहां की व्यवस्थाएं देख जा सकते हैं, अब आप केवल लाइव क्लास देख सकते हैं। अब लाइव क्लास भी कैसे देखें, एक बच्चा 94% का है, हम उसको कहते हैं 10,000 रुपये तो जमा करा टोकन मनी, वो 94% का बच्चा 10,000 रुपये की टोकन मनी बाई चांस कई बार जमा कराने के मूड में नहीं है, या हो सकता है कि उसको पता ही नहीं कि मैं 9-10,000 क्यों जमा कराऊं, कैसे कराऊं। तो आज अभी मैं जब थोड़ी देर बैठा था, अभी रास्ते में आ रहा था, एक आइडिया दिमाग में आया, मैं इस लाइव के माध्यम से बिल्कुल, ये मेरी टीम के लोग सुन लें सब, कि जो भी स्टूडेंट, वैसे तो हम लोग डेमो सबको देते हैं, कोई भी स्टूडेंट आप 3 दिन का डेमो ले सकता हमारी क्लासेज का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक तो हम देते हैं डेमो 3 दिन का, जिस भी स्टूडेंट के अबाउ 90% है, 10th में, 12th में, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, यदि वो चाहें कि आप चेक करें, बिल्कुल चेक करना चाहिए आपको, तो हम आपको 7 दिन को हमारी बैच में एडमिशन दे देंगे। डेमो नहीं, जो बैच चल रहा है, क्या करना उसके लिए, अपना नाम, नहीं अपनी मार्कशीट, तो अपना नाम आ गया उसमें, अपनी मार्कशीट और एक व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको क्लास चलानी है, क्यों मार्कशीट सब कुछ आ जाएगा, क्यों सारी सर सारी बात आ जाएगी उसमें। हाँ, आपकी 10th की मार्कशीट है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको 11th बायो में जाना है, 11th मैथ में जाना, थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा यहां पर, अपने मार्कशीट बोर्ड की जो साल आई है अभी, 10th के बच्चे हैं तो 11th बायो चाहते हो, 11th मैथ चाहते हो वो, और अपना व्हाट्सएप नंबर जिस पे आपको क्लासेस देखने हैं। 16 जुलाई से हमारा कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, हम बाकायदा 7 दिन का आपको फ्री क्लास देंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपको जमता, बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं भाई मैं, तो आपको निश्चित रूप से CLC की क्लासेज ज्वाइन करनी चाहिए। और दोस्तों अबाउ 90% बच्चों की फीस स्ट्रक्चर बहुत मामूली सा हमारे यहाँ, कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, मैं दिखाऊं आपको। यदि दोस्तों आप यहां देखें, यदि आप लोगों के स्पोर्ट्स को 96% से ऊपर नंबर है तो फीस है मात्र 5100 रुपए, तो 5100 फीस नहीं होती है, टोकन मनी है, मंदिर और संस्था में खाली हाथ क्या जाए आदमी यार। यदि आपका स्कोर 95% है तो मात्र फीस 14,000 रुपए है, 94% है तो 24,000 है केवल, 93% है तो 33,000 रुपए है, 92% है तो 43, ये आपके सामने फीस स्ट्रक्चर पड़ा पूरा, आप कंप्लीट देख लें इसको। और फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि एक बार इनिशियल आपको 10,000 रुपए जमा करके अपनी क्लास स्टार्ट करनी है, जैसे भी लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद आप आएंगे, तो वो फिर डिपेंड करता है आपके बिहेव पे,
जब मैं रात को किसी आदमी के फोन पे उस बच्ची को 3 महीने कोऑपरेट कर सकता हूं एक नॉमिनल से फी चार्ट पे, तो आपको रखनी पड़ेगी बड़ी बात। भी मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, यहां तो मैं खुद एज सेंटर हेड खुद उपलब्ध रहता हूं, हर बात में सुनता हूं, और वाजिब बात जो मेरे तक आती है उस समस्या को मिटाने का हमने 24 साल पूरा प्रयास किया है, वो हमारी ताज जिंदगी, हमारा कमिटमेंट है खुद के साथ। तो मैं इस लाइव को देखने वाले, उसके बाद सुनने वाले बच्चों, जिसका भी इस बार 2020 में अबाउट 90% नंबर आए हैं, तो अपनी मार्कशीट, आपको 11th बायो लेना है, मैथ लेना है, अपना वो मोबाइल नंबर जिस पे क्लास देखनी है मुझे व्हाट्सअप कर दे मेरे नंबर पे 9928738888 पे, आपको 7 दिन क्लास मिल जाएंगे। 16 तारीख से कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है डियर। तो मैं जो बात चल रही थी कि आप अपनी बात को जिस भाव से कहोगे ना, उसी भाव से दोस्तों आपको सेव करेंगे। कल हम कुछ स्टाफ के साथ ही बैठे थे, मेरे स्टाफ के साथी ने बहुत प्यारी बात कही, थोड़ा ध्यान सुनना दोस्तों, हर सेक्टर, कोई सेक्टर हो, कितना बड़ा हॉस्पिटल हो चाहिए, 100% फ्री में मरीज कोई डॉक्टर नहीं देखता, मैंने तो नहीं सुना आज तक मेरे सीकर में, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई एक भी हॉस्पिटल होगा जो फ्री में 100 पेशेंट का इलाज करता होगा। वो ये कहते हैं भाई श्रवण जी जानकार दो, आधे दे दो। ये एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जो बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देकर पढ़ाते हैं, और अच्छे बच्चों दोस्तों रहना खाना पढ़ना सब देते हैं। ये केवल प्राइवेट स्कूलें कर रही हैं और ये कोटा के बाहर की कोचिंगें कर रही हैं जो आपके अपने लोग चला रहे हैं। इस बात को गहराई से समझो ना कभी आप लोग। अब इसके दो अर्थ हैं, आप एक ये भाव समझें कि नहीं हमारे बच्चे ने रिजल्ट आपको बढ़ा दिया, तो ये वो ठीक सोच ठीक नहीं है। संस्था को बच्चे की जरूरत होती है, अच्छे बच्चे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को संस्था की बहुत जरूरत होती है, ये इस लॉकडाउन में आपको पता लग गया दोस्तों। डेली फोन, श्रवण जी इन छोरों को वापस सीकर बुला लो। क्यों भाई, घर पे बैठे हैं ना, बढ़िया खाना मिल रहा है। अरे नहीं नहीं माहौल नहीं बन रहा, फिर ऑफलाइन क्लास की डिमांड क्यों कर रहे हो फिर आप? क्लास तो ऑनलाइन मैं स्वीकारता हूँ, लो ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है बच्चे को। कैसे? वीडियो 2 बार देख लो, वीडियो आगे कर लो, वीडियो पीछे कर लो, वीडियो रोक लो, मूड नहीं है तो रात को देख लो, दिन को देख लो। ऑफलाइन में क्या नींद नहीं खुली गई क्लास, और ऑनलाइन में सीएलसी तो अपने मॉड्यूल के 80% क्वेश्चन सारे सोल्व कर रही है यूट्यूब, उसमें आपके वीडियो लेक्चर में, बस एक फीलिंग की तो देन है ना, और फीलिंग के लिए इंस्टीट्यूट आना है। तो आप ये कैसे नकार सकते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट की बच्चों की जरूरत नहीं है? इसलिए हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, संस्था और बच्चा, मेरा भाव समझें। और ये आपके सामने एक फीस स्ट्रक्चर जो है, एक स्कॉलरशिप का जो पैकेज है, इसको बहुत तसली से आप लोग पहुंच करके देख सकते हैं आराम से। तो मैं वापस से एक बार, जो 10th CBSE का बच्चा है उसको बहुत बहुत बधाई, और जो बहुत सा बच्चा हमारे 2021 के ऑनलाइन क्लास जुड़ा हुआ है, सुनील नोट करें, कल सारे बच्चों को कॉल कराओ, उनके परसेंटेज पूछो कि, और उन बच्चों की फिर कल यहाँ डिस्प्ले भी करेंगे, इस दिन बच्चों का एडमिशन अपने यहाँ हो चुका है, उनसे ये पूछना है कि उसका परसेंटेज क्या है, वो किस स्कूल से 10th किया है और कहाँ रहने वाला है। तो ये एक व्यवस्था थी डियर। तो मैं फिर से कहता हूं, आप अपनी मार्कशीट भेज दो, 7 दिन बाकायदा डेमो नहीं, 7 दिन आपको बैच में क्लास लाएंगे, उसके बाद नो डाउट जो नॉमिनल इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर आप सबमिट कर देंगे, 10,000 रुपये जमा करना तो इनिशियली, तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। नहीं, हमारे जगदीश जी आप सबके नाम नोट करके उनको एक पास दे दो। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन होता तो ये बात अपन करते हैं टेबल पे। मैं इस तरह बात कर रहा हूं इस समय आपसे कि ऑफलाइन में आप मेरे इंस्टीट्यूट आए हैं और अपन दोनों भाई बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, एडमिशन के प्रोसेस, तो वही सेम प्रोसेस की बात कर रही है। बोलो हाँ या ना, ये तो चाहते हो ना आप? तो आप कहीं ठगे नहीं जाएं, गलत चुनाव आपका ना हो जाए इसलिए। और 7 दिन के बाद यदि हमें लगता है कि हमारा टीचर आप संतुष्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेना चाहिए एडमिशन, भाई आपका बच्चा कीमती है, बहुत स्पष्ट बात है, इसमें क्या बात है। तो डियर, आप सब बच्चों को शुभकामनाएं। ये मार्कशीट जिंदगी की एक मार्कशीट है, ये जिंदगी नहीं है, नंबर ज्यादा है अच्छी बात है, नंबर कम है कोई खराब बात नहीं है। एक मार्कशीट आपका जीवन का फैसला नहीं कर सकती, एक मार्कशीट आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती। एक मार्क्स डिसाइड करती तो मैंने 50-50% वाले लड़कों को मेडिकल में सेलेक्ट होते देखा है, और 90% स्टेट मेरिट वाले बच्चों को मैंने बाहर होते हुए देखा है दोस्तों। इसलिए आप इसको लेके कहीं पैनिक नहीं हो। अब तो रिजल्ट केवल राजस्थान बोर्ड 10th का बचा, बस बाकी रिजल्ट सब आ गए, राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जल्दी 10th आने वाला है। तो सारे बच्चों को शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके डियर, अब मैं बात शुरू करता हूं मेरे 2020 के प्लेयर से। आ जाओ भैया, चलो भैया पढ़ाई शुरू कर ली। 2020 के बच्चों,
हाँ, एक बच्चा कल का वो क्रेस कोर्स वाले बच्चों के बारे में बोलो, अरे भाई तो क्रेस कोर्स का बच्चा है तो तू 2021 का प्लेयर हो जाएगा ना ऑनलाइन के हिसाब से, 2020 का तो ऑफलाइन का बच्चा है। तो दोस्तों, जो बच्चा वीडियो क्लास नहीं ले रहा है, जो फ्री है, क्रेस कोर्स का बच्चा 2020 का प्लेयर नहीं है एज ए स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास ले रहा है ना, उसको 2021 वाला शेड्यूल फॉलो करना है। दोस्तों, आपको 7 से 1200 पढ़ाई करनी चाहिए। 2020 का जो बच्चा है उसको 7 से 12 पढ़ाई करनी है, 12 से 1 लंच, 1 से 4, जो मेरी बात को मानता है उसको टेस्ट 1 से 4 ही देना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। 4:30-6:30 पढ़ाई करनी है, फिर आपको लाइव देखना है, 7:30 बजे पेपर की PDF फाइल आ जाती है, उसको देखें, डिनर करें, रैंक आपके पास आ जाती है, 8 से 10 आपका डाउट काउंटर खुल जाता है। एक बात और सुन लो, सुबह का 8 से 10 का डाउट काउंटर बंद कर रहे हैं कल से, क्योंकि अब डाउट्स काफ़ी खत्म हो गए लोगों के। दोस्तों, 3 मई को एग्जाम होनी थी, पूरा मई दे दिया, पूरा जून दे दिया, पूरा अब डाउट नहीं है, अब बहुत ज़्यादा डाउट बच्चों के नहीं है, अब सुबह का डाउट काउंटर बंद है ताकि आपका बार बार चूं 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 मोबाइल नहीं करे, बस केवल 2 घंटे डाउट काउंटर पे देंगे, आप क्वेश्चन डाल दो, मेरी टीम के लोग उसको आंसर देते रहेंगे। और दोस्तों, फिर रात को 10 बजे आपको पता है अपने मेडल सेरेमनी होती है, मैं खुद मेडल पहनाता हूँ, और दोस्तों 10 से 1 आपको पढ़ाई करनी है। ये मेरे 2020 के प्लेयर के लिए बात कर रहा हूँ। अब यदि आप 2021 के प्लेयर हैं या क्रेश कोर्स 2020 के प्लेयर, बात एक होगी, तो दोस्तों सुबह 8 से 12 ऑनलाइन क्लासेस। अब देखो, यहाँ के लिए बच्चा मैसेज आ गया, वो सब तो 4 क्लास शुरू हो गई, वो पूरी नहीं होती हैं, तो ये 8 से 1 कर दो कल भैया। लो, मैंने कहा ना, यहाँ तो बच्चा ही कहता है सब कुछ, और रात कल ही आ गए साहब, वो क्लास 4 शुरू होगी, पहले क्लास 3 आती थी बायोलॉजी में, अब फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बोटनी की 4 क्लास शुरू होगी, तो 8 से 1 आप ऑनलाइन क्लासेज लें, 1 से 2 रेस्ट कम करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, 1 से 2 आप लंच रेस्ट करें, 2 से 6 आपको पढ़ाई करनी है, 6 से 7.5 आपको गेम और सीरियल्स लाइव देखना है, 7:30-8 डिनर है, पेरेंट्स है, यहाँ पढ़ाई भी करते, मना ही नहीं है, बस 6:30-7:30 आप पढ़ भी सकते हैं, और 8:30 से 12:30 आप फिर पढ़ाई करें अपनी। तो डियर, 2020 हो या 2021 हो, इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करते हैं ईमानदारी से। 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सीएलसी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है 2020 के बच्चों का, कल हम सुबह फिजिक्स पंच के सारी शेड्यूल PDF वीडियो अपलोड कर रहे हैं, केमिस्ट्री क्यों जी, बाजा जी, बाजा जी, शेड्यूल PDF और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2013 से 2019 तक के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन का शेड्यूल, मतलब टॉपिक कौन सा है, PDF वीडियो अपलोड कर रहे हैं, IIT में 2016 से 2019 तक के एडवांस के पेपर का शेड्यूल PDF और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये सारे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको अगले 2-3 दिन में दोस्तों अपलोड कर देंगे। उसके बाद जैसे आप जानते हो कि कल 16 जुलाई को हमारा JEE का पहला डिटेल्स पूरा हो रहा है, JEE का फर्स्ट डिटेल्स दोस्तों हमारा पूरा हो रहा है, देखो ऊपर दो, कल 16 जुलाई को, तो इन सारे पेपर की PDF फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। ऐसे मेडिकल में बात करें तो मेडिकल में आप देखो दोस्तों, आप ऊपर लें तो बेटा जी आज तारीख कितनी हो गई, 15 होगी ना, तो 15 होगी तो 15 पे तो टेस्ट हो गए, तो ये आपके देखो अब आपके पास केवल टेस्ट बचे हैं दोस्तों 5। 21 जुलाई की जरूरत नहीं है, भेज रहे हैं तो 18 जुलाई को आप फ्री हो जाएंगे भाई, 18 को आपके टेस्ट हो जाएंगे ना, तो 19 जुलाई को दोस्तों आपके पास इन सब की PDF फाइल आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। ये बाजिया जी से बात हो चुकी हमारी, कहने का मतलब ये है कि आप लोग कहीं भी पैनिक नहीं हो। इसके अलावा जो 2021 का स्टूडेंट है उसका बार बार एक फोन आ रहा है, नोट्स क्यों मिलेंगे प्रिंटेड, दोस्तों प्रिंटेड नोट्स, मैंने 20 का कमिटमेंट किया था बट प्रिंटिंग प्रेसेज में टेक्निकल काफी लोड है, तो 25 जुलाई तक हो जाएगा, लेकिन यह है कि जुलाई खत्म होने से पहले पहले अपने नोट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। खुशखबरी है कि सारे नोट्स क्यों सर एक साथ दिए जाएंगे, पूरे नोट्स एक साथ दे देंगे, ताकि वो एक काम अपना कंप्लीट हो, वो आप अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जो भी सेंटर नजदीक है, आप तो सीकर CLC सीकर के स्टूडेंट हैं, जो अलवर नजदीक है तो आप वहां से ले सकते हैं, उसका एक आईडी वगैरह हो आपके पास, सब पहुंच जाएगा अपने आप। दूसरा मैं एक बात करना चाहता हूं कि जिस आदमी को CLC में एडमिशन लेना है, एडमिशन से पहले एक हेल्पलाइन नंबर है मेरा, आप उन पर बात करें, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें आप। आपका एडमिशन हो गया, फिर आपको कोई टेक्निकल दिक्कत आती है ना, तो आप दोस्तों एक ग्रुप पोस्ट बनाई थी हमने व्हाट्सएप की, वो आप ये नहीं, तो आप फिर केवल मेरे नंबर 9928738 व्हाट्सएप करें। कैसे व्हाट्सएप करना है उसकी एक पोस्ट है, स्लाइड बनी हुई है फेसबुक पे, व्हाट्सएप भेजी थी हमने, कल दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज हम भूल गए उसको लाना। एडमिशन से पहले आप हेल्पलाइन बात करें, एडमिशन से पहले आप हेल्पलाइन पर बात करें, एडमिशन के बाद
मेरे नंबर 9928733888 पे, सुनील जी हिल गया एक बार, उस पे आप अपनी, सुनील जी हिल गया, आप अपना नाम, अपना CLC रोल नंबर, अपना पासवर्ड और अपने प्रॉब्लम वो मुझे लिख के भेज दें। इसका भी टाइम फिक्स कर दिया मैंने, एक सुबह 9 से 12, और मैं 9 से 12 क्या होगा, मैं कंट्रोल में बजा के बैठ जाऊंगा। समस्याएं मिटानी हैं, काउंट नहीं करनी है हमें, प्रॉब्लम काउंट नहीं करनी है हमें, प्रॉब्लम का काउंटर करना है। तो मैं बाजिया जी और जगदीश जी मेरी बात को सुने, जो चीजें बता रहा हूं मैं इनको नोट कर लें सर, क्योंकि इनको जरूरी है। एक बार फिर सुन लो, एडमिशन लेने के लिए आपको हेल्पलाइन पर बात कर लें, क्योंकि यहां बहुत सारी बातें होती हैं जिन सब के जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन एडमिशन हो गया आपका, फिर आपको सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट का आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक मैसेज स्लाइड बनी हुई दिखाना, वहां भेजना होता आपको, एक स्टाफ के बाकायदा स्लाइड बनी हुई है सब्जेक्ट टीचर की, किस सब्जेक्ट पे कौन सा, किस सब्जेक्ट पे कौन सी डाउट भेजने हैं, किस सब्जेक्ट पे, किस नंबर पे, ये रहा, किस सब्जेक्ट पे भेजना है, बना हुआ है एक, अभी दिखा देते हैं, देखो हमारे ये तो, ये रहा, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स भेज दें, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको और कोई दिक्कत हो, बट 9 से 12 केवल, ये आप नोट कर लें, जो मेरे स्टाफ के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी टीम भी, कि 9 से 12 आप, ताकि 3 घंटे आप कंप्यूटर सामने बैठ जाएंगे, हम लोग खुद, मैं खुद वहीं बैठ जाऊंगा, जो समस्या आई ऑन द स्पॉट आपकी समस्या खत्म, ठीक है डियर। एक अपना कल कास्ट का एग्जाम हो रहा है 16 जुलाई को निकालना, कास्ट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, जिस बच्चे ने इस साल 7th का एग्जाम दिया है वो 8th में आएगा, उसके 7th का सिलेबस आएगा 8th में एडमिशन के लिए, जिसने 8th का एग्जाम दिया है वो 9th में आएगा, उसके 8th का सिलेबस आएगा। तो उसको अपनी क्लास 7th पढ़नी है, 8th पढ़नी है, 9th पढ़नी है, 11th पढ़नी है, 12th, इस साल 2020 में जो क्लास पास की है आपको क्लास वो भरनी है। आप 8th में आ रहे हैं, आपको 8th नहीं पढ़ना, वहां 8th ब्रोथ पेपर आपके पास 8th का आ जाएगा, आप तो 8th में आ रहे हो ना, तो आप टेस्ट तो 7th का दोगे ना, तो आपको 7th क्लास पढ़नी है, ध्यान सुनो चीज को। ऐसे आप 11th में आ रहे हैं तो आपने एग्जाम 10th का दिया ना, अभी आप पढ़ाई तो 10th की कर रखी है ना, तो आपका सिलेबस 10th का आएगा, ऐसे आपका ये होगा। इसमें कैसे होते हैं लोग, सुन लो, आ जाओ दिखाओ भाई, देखो ये सुनो, ये गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप clclive.in सर्च करें, clclive.in सर्च करें। अब देखो एक मिनट, अब दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक लॉगिन आएगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। लॉगिन तो उन बच्चों के लिए होता है जो पुराने बच्चे हैं, आप में न्यू रजिस्ट्रेशन, जान चाहूं आपका, आपको एडमिशन लेना हो चाहे कास्ट देनी हो, सीएलसी के अंदर जाना आपको, तो आप clclive.in को क्लिक करें, ये पेज खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां डालो मोबाइल नंबर अपना, ये डाल दिया, ये मोबाइल फीड कर दिया हमने, ये फीड करते दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगा इस नंबर पे, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है यहां पर, ये तो कर दिया। अब आपका आएगा फिल इन द बिफोर यू स्टार्ट, फुल नेम भर दो, एड्रेस किसी भर दो भैया, आप अपना नाम भर दो, ओम प्रकाश भर दो, ईमेल भर दिया। अब आपको देखो दोस्तों यहां आओ, सेलेक्ट योर क्लास मोड, इसको क्लिक करना। अब देखो यहां अप्लाई फॉर कास्ट करना है, या ईयर लॉन्ग ऑनलाइन क्लास करना है, या इनिशियल ऑनलाइन, आपके 3 ऑप्शन है। कास्ट का तो ऑप्शन कल कल तक जाएगा, बाद में आपको साल भर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसको क्लिक कर दें, अभी ऑनलाइन लेनी फिर ऑफलाइन लेनी तो क्लिक कर दो, तो आप कास्ट को आप क्लिक करो। कास्ट को क्लिक करने के बाद आपको यह पता करना है कि आपको एडमिशन लेना किस में है, नीट में लेना है, जेई में लेना है, या लेना प्री फाउंडेशन में। तो जैसे आप नीट का क्लिक करो, अब नीट में सपोज करो आपको 11th में आना है, तो आप 11th क्लिक कर लो, आना 11th में है, अब बच्चे सिलेबस कौन सा आएगा 10th का, पर एडमिशन कहां लेना 11th बायो में क्लिक करो, कर दिया, ओके डियर, ये लेट्स गो करो, ये आपके सामने इसके टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। फिर देखो आप यहां लिखा हुआ है कंटिन्यू टू रजिस्टर, उस पर क्लिक करो, कर दिया दोस्तों। फिर आपके सामने यहां देखो क्या क्या है, अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, आधार कार्ड भरना ही होगा आपको, आपने 10th पास, अब यहां पर आप 10th पास लिखेंगे, 11th बायो पास और पीरियड नहीं, यहां आप 10th लिखेंगे दोस्तों, क्या हो? ये देखो यहां आप 10th पास लिखेंगे, क्योंकि आप 11th में आ रहे हैं, बट पेपर किसे देंगे 10th का। फिर अपना एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन, स्कूल का नेम जहां से आपने अभी 10th किया है, स्कूल का शहर कौन सा, स्कूल डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कूल डायरेक्टर, नाम प्रिंसिपल का, और दोस्तों फिर रजिस्टर कर दो इसको, रजिस्टर कर दो इसको यहां पर। डिटेल भरने से पहले रजिस्टर नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी एडमिशन हो गया कास्ट के बारे में। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके सुन लो, ऑनलाइन में पैनिक नहीं होना है,
सारा खेल जो है, आप एडमिशन लेना हो चाहे कास्ट देनी हो, clclive.in पे जाएं, या आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, सेम प्रोसेस है। प्ले स्टोर पे जाओ, सीएलसी लाइव का ऐप डाउनलोड कर लो, फिर वो खुलेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये दो रास्ते हैं, चाहे clclive.in से आओ चाहे सीएलसी लाइव से आओ, दोनों खोलने के बाद आगे प्रोसेस सेम ही है, ठीक है डियर। इसके बाद एक क्रेश कोर्स चल रहा है। अब क्या क्या कोर्स चल रहा है, आ जाओ भाई दोस्तों। सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी 2020 का प्लेयर है जेईई नीट का, उसको लगता है यार मेरी तैयारी ठीक ठीक नहीं है बट बुरी भी नहीं है, तो आप दोस्तों कल 16 जुलाई को शुरू होने वाला अपना क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, बार के बच्चे की फीस 8,000 रुपये है, हमारे सीएलसी के बच्चे की फीस 6,000 रुपये है। जिसको ज्वाइन करना है वो आप ऑनलाइन जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सीएलसी के बच्चों को ज्वाइन करना है तो मेरे नंबर पे अपना मैसेज दे दे, मैं आपको बैंक अकाउंट दे दूंगा, उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो बच्चा कहता नहीं मेरा तो जेईई नीट 20 में ठोकना साहब, तो उसके लिए आपकी सीएलसी ने दिल्ली टेस्ट सीरीज 2 लॉन्च कर दिया है, 27 जुलाई से तो स्टार्ट हो जाएगा, जान लगा दो, पूरी पूरे देश के बच्चों के लिए फ्री है, कोई फी नहीं इसका दोस्तों। आप फिर से एक बार अपने प्रिपरेशन को प्रमाण चढ़ा सकते हो। ये हो गया, ये आपके कोर्सेज है। हर थर्सडे को 16 जुलाई 23 जुलाई 30 जुलाई को, चाहे टारगेट हो चाहे फाउंडेशन हो चाहे प्री फाउंडेशन हो चाहे आईटी हो चाहे मेडिकल हो, सबके कोर्सेज चल रहे हैं। ये अपने 12 फेज, 16 जुलाई को कल 12वां फेज स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसे प्री फाउंडेशन में कल 6ठा फेज शुरू होने जा रहा है। वापस आना, प्री फाउंडेशन में स्टार्टिंग ऑफ डेट 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ, वो 6ठा फेज है। अपडेट करें स्लाइड को, आगे चले। ये फीस स्ट्रक्चर है, एक बात बार बार कह रहा हूं, आपके पास दो प्रकार स्कॉलरशिप है, एक प्रीवियस बोर्ड की एक कास्ट की, लेकिन सारी स्कॉलरशिप दोस्तों केवल ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं। वहां क्या फीस स्ट्रक्चर है, वहां दोस्तों फीस स्ट्रक्चर आपका ये 51,000 रुपए है, एक साल 45 है। पीछे आ जाए, वापस शुरू से ले एक बार, ये आपके कास्ट के एग्जाम है, आगे चले। ये इसका सिलेबस है, 7th, 8th, 9th, 10th में आपका 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 मैथ के, 30 इंग्लिश के, 10 जीके के आएंगे। 11th, 12th में 40 फिजिक्स के आएंगे, 40 केमिस्ट्री के आएंगे, 10 जीके के आएंगे। आगे चले दिए, एग्जाम का टाइम कल 10 से 12 है। कल दोस्तों 16 तारीख को 9 से 1 है, बाकी सारे इवेंट्स बंद रहेंगे ऑनलाइन, ना टेस्ट दे सकते हो ना क्लास देख सकते हो। ये बहुत बार बार कह रहा हूं मैं, इसका एक मैसेज भी बाजा जिया छोड़ेंगे, इसका एक मैसेज वो छोड़ देंगे, वो सब छोड़ देंगे। ओके डी, थैंक यू। आगे चले, ये हमारा कास्ट का स्कॉलरशिप है, ये प्री फाउंडेशन के लिए है। ये दोस्तों बात होगी, ये जो लड़के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उनके लिए वर्किंग डेज है, ये हमारा प्री फाउंडेशन है। ये आप हमारा मॉड्यूल मंगाना चाहे तो आप बाई पोस्ट मॉड्यूल मंगा सकते हैं। ये हमारा 9th, 10th, 11th, 12th स्कूलिंग का भी आपके सीएलसी प्लेटफॉर्म पे शानदार क्लास चल रही है, 9, 10, 11, 12 आरबीएससी, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस स्ट्रीम, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं kvmlive.in पे जाके। ये हेल्पलाइन नंबर हो गए, ये दोस्तों हमारे सेंटर्स के एड्रेस हो गए, ये रूटीन डेली रूटीन हो गया, 20 का हो गया, 21 का हो गया। ये कल के मेडल्स की बात करते हैं दोस्तों, कल के मेडल पहनाएं, उसके पहले हमारे परिवार के कुछ लोगों में बर्थडे हैं आज, उन सब बधाई देंगे पहले। सबसे पहले हमारे गणेश जी चौहान का बर्थडे है, हमारे गणेश चौहान, मैं चाहूँगा तालियां बजा के, हमारी बोटनी की मजबूत फैकल्टी, एक मजबूत व्यक्ति जो अपने आप को कतई नहीं मानता कि मैं एक संस्था का पेड सर्वेंट हूँ, टीम की तरह बंदा काम करता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यही वो साथी हैं जिनके बलबूते हम लोग इस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को बहुत आगे लेके आ गए, इन्हें साथियों के देन है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने आप को कि सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे साथी हमेशा मुझे जिंदगी में मिले। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर आयुष पारिक हैं, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, सीएलसी हैं, और आज एक बहुत अच्छी टीम के पार्ट हैं हमारे। आगे चलें, ये हमारे पारिवारिक मेंबर जेपी शर्मा जी, आप पाली में स्कूल प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट में, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक व्यक्ति हैं, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं मेरे परिवार के लोगों को भी बर्थडे विश करूं। इसके बाद ये मेरे बचपन के दोस्त हैं विद्याधर शर्मा और बनवारी, ये फोटो पिछले मित्रता दिवस की है जो शायद अगस्त के फर्स्ट संडे को आता है, उस दिन की फोटो है। तो इन चारों मेरे, वो तीन मेरे पारिवारिक व्यक्ति हैं, चौहान साहब और आयुष पारिक सीएलसी परिवार के मेंबर हैं, इन सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मेडल सेरेमनी पे आते हैं दोस्तों। कल जो टेस्ट हुआ